में हमारे भक्तों के लिए आशीर्वाद, उनके सारे परिवार वालों के लिए, जो भी जहाँ भी बैठे हुए हैं सबके लिए भरपूर आशीर्वाद। हमें खुशी होती है जब हमारे भक्तों से इंटरेक्शन होता है, बात होती है, घर घर बैठे हुए जैसे वो इंतज़ार करते हैं वैसे ही हमें भी इंतज़ार होता है कि भक्तों का काफ़ी समय बीत गया है तो भाई ये शुरू हुआ है और मैसेज आने शुरू हो गया, भाई जो हम सबको बता दें कि इसमें फेसबुक पर लाइव इंटरेक्शन, क्योंकि फीचर पहले बंद हो गया था जो कि पिछली बार से शुरू हो गया है, सब जानते हैं, जो नए भी आए होंगे तो उनको बता दें कि, और दूसरा इंस्टाग्राम पर जो हमने लिंक भेजा है ये टेस्ट लिंक है, तो पिछली बार भी इसी से किया था और इससे भी कर रहे हैं, और बाकी जो यूट्यूब पर भी मैसेज आने शुरू हो गया, भाई तीनों में एक साथ ही जा रहा है। हाँ, लेकिन वहाँ पर दोनों तरफ क्योंकि उनका फीचर नहीं है तो मैसेज ही आएंगे यूट्यूब पर, और बाकी जो है इंटरेक्शन जो होगा तो ये दोनों पर होगा, जो बातचीत दोनों तरफ से होती है, क्योंकि कैमरे पर लाने का ऑप्शन फेसबुक में है और इंस्टाग्राम में, क्योंकि अब तो आपने भी देखा है कि काफ़ी समय हो गया है जो कि ऑनलाइन आ रहा है प्रोग्राम, जब काफ़ी लोग फेमिलियर भी हो गए होंगे, क्योंकि फ़र्क उसमें देखिए कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है भाई, लोग अब आने शुरू हैं ऑनलाइन और बाबा 2-3 साल पहले ही शुरू कर दिए थे, क्योंकि ये भक्त जो हैं अब तक फेमिलियर होंगे। अब तो वैसे भी बहुत से लोग पूछते हैं समागम का या पूर्णमासी का शो, क्योंकि काफ़ी समय से, बहुत पहले जब हम लोगों ने शुरू किया था तो कई कारण होते हैं जो चीज़ें अब आप लोग जान गए होंगे कि ऑनलाइन ही सब कुछ होना है, और आपको भी आदत पड़ गई होगी, और अब क्योंकि दूसरा प्रैक्टिकल ही नहीं, हो ही नहीं सकता अभी, और ये लेकिन फ़र्क इसमें बिल्कुल भी नहीं है। हमारे भक्त जैसे ही कहीं भी बैठे, बल्कि कई लोग तो बहुत खुश हैं कि वो जो नहीं आ सकते थे, लाखों लोग ऐसे भी थे तो जो कोई विदेशों में है या कोई दूर किसी और शहर में बैठा हुआ है, तो उनको घर बैठे ही उसी तरह जो है वो बात करने का मौका भी मिलता है, और क्योंकि शक्तियों का खेल तो ऐसा है कि वो हर भक्त हमारा जहाँ भी बैठा हो उसके साथ जुड़े होते हैं भाई। अब हाँ, दूसरी चीज़ ये बता दें कि इसमें जो भी इंटरेक्शन होता है तो वो जो मैसेज कर रहे हैं और उसको हम क्लिक करते हैं तो उसी पर ही वो ब्रिंग ऑन कैमरा का ऑप्शन आता है, वो किसी का भी नंबर लग जाता है, और दूसरा कोई इसमें ऑप्शन नहीं है। तो ये क्योंकि अभी इन्होंने कुछ चेंजेस ये करते रहते हैं फेसबुक वाले भी, तो थोड़े फीचर इधर उधर, तो वो लेकिन दोनों का जो सिस्टम जो है यही है, और जो यूट्यूब है तो भाई उसमें सिर्फ मैसेज आ रहे हैं, लेकिन चाहे किसी का बात होता है या नहीं होता है, और हमारा आशीर्वाद सबके लिए है और वो कृपा शक्तियों की सबको उसी तरह जाती है, और ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से हम सबको बता देना चाहते हैं कि ये जो हम आते हैं लाइव सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों के लिए हैं, यहाँ पर कोई भी दूसरा जो इस दरबार में आस्था नहीं रखता है वो ना आए तो ज़्यादा अच्छा है, उसके लिए भी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर कुछ एक चीज़ें और हम आपको बताएंगे कि भक्त बहुत से हैं जो यहाँ पर आते हैं, आप देखते हैं कि उनका इंटरेक्शन भी होता है, लेकिन यहाँ पर सच्चे मन के साथ जो जुड़ा हुआ है, और क्योंकि यहाँ ना एक मंदिर में आने के समान है, तो यहाँ पर खिलवाड़ के लिए ना आए, क्योंकि ये उन्हीं के हित में नहीं है, क्योंकि सच्ची शक्तियाँ जो वो सब कुछ देख रही होती हैं और सच्चे भक्तों पर ही कृपा जाती है, और आपने कोई भी मार्केटिंग इसमें, चाहे हमारे भक्त ही क्यों ना हो,
तो उन्होंने अपनी दुकानों के नाम, ये फ़ोन नंबर लिख के, या कुछ ऐसी, कई लोग ऐसे हैं जिनको समझ नहीं है, कुछ तो भक्त हैं, कुछ हालांकि भक्त तो जानते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, कोई गलती से कभी कर दे, लेकिन बाकी कुछ ऐसे हैं जो यहाँ मार्केटिंग के लिए अपनी आते हैं, तो वैसा कभी कृपा नहीं आएगा। यहाँ सबकी आँखें खुली हुई हैं, कोई किसी के जाल में फंसने वाला नहीं है। जिन्होंने भी ये, हम सबको बता देना चाहते हैं, कोई भी हमारा भक्त जो है सच्चा, कभी वो ऐसे ग्रुप, चाहे वो फोटो दिखा के हो, फेक ग्रुप जहाँ होगा वो कृपा रुक जाएगी, तो उससे कभी कृपा नहीं आती। सच्ची शक्तियों का कोई डुप्लीकेट होता ही नहीं है। वो जो है वो सिर्फ गुमराह करने के लिए, ट्रैप करने के लिए आप लोगों को फोटो दिखा के ऐसे किया जाता है कि वो भक्त बन के ही दिखाएंगे। दो चार उनके अपने आदमी भी होते हैं, लेकिन कुछ पैसा जमा कराने के लिए, कुछ सामान बेचने के लिए, कुछ फ़ोटो बेचने के लिए, कुछ हमसे मिलवाने के लिए, ऐसा कोई भी फ़ोन नंबर जो आप देखते हैं कि हमसे बाबा जी से मिलवा देंगे, समझिए कि वो फ्रॉड के अलावा कुछ भी नहीं है। किसी के ट्रैप में नहीं आना है। बाबा जब वीडियो में आके लाइव बताते हैं तभी आपने यकीन करना है, और ये हमारा सच्चा भक्त ये जान ले। कोई भी जो है फेक ग्रुप, किसी को कोई इनविटेशन नहीं जाती, कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं जाती, जो आता है ये लाइव वीडियो में आता है, और वहीं से कृपा जो है शक्तियों की जाती है। तो भटकन में जो है वो ऐसा नहीं कि इनोसेंट लोग, कुछ थोड़ी देर के लिए ऐसा होता है, लेकिन अब क्योंकि सब जान चुके हैं तो हर एक ने अलर्ट रहना है ताकि किसी के साथ धोखा ना हो सके। भाई अब हम, क्योंकि काफ़ी लोगों के निकल चुके हैं मैसेज, हम कोशिश करेंगे कि भाई ये जॉली हैं, थोड़ा सा नज़दीक आना पड़ेगा भाई, आशीर्वाद है उनके लिए। ये टिमी हैं, आशीर्वाद है उनके लिए। अमन हैं, और भाई ये इंस्टा में आ रहे हैं। अनूप हैं, आशीर्वाद है इनके लिए। और भाई ये राम यादव हैं यूट्यूब पे, भाई इनके लिए भी आशीर्वाद है। और अजय हैं और निकिता हैं, भाई इनके लिए भी आशीर्वाद है। और अब क्योंकि बहुत कुछ जो इतने सालों से आपने जाना है, क्योंकि ये इतना समय हो गया है कि बहुत कुछ बताया गया है, लेकिन सच्चे जो भक्त होते हैं उनको पता है कि उनकी कसौटियां जो हैं शक्तियों की क्या क्या होती हैं। किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी की आह नहीं लेनी है, लेकिन डरना भी नहीं है, गलत ट्रैप में भी नहीं आना है। और जब आप सच्चे मन से करते जाते हैं, जो हम चीज़ें आपको एक बार नहीं, कई बार आपने सुनी होंगी, टेलीकास्ट हुई या समागम में, शो में, पूर्णमाशी, किसी भी रूप में आपने सुना होगा, तो वो शक्तियां जो हैं कृपा बिल्कुल करती हैं। और किसी भी हालात में, चाहे कितने भी बुरे से बुरे क्यों ना, कैसी भी आफत क्यों ना आई हो, सच्चे भक्तों के ऊपर हमेशा उनकी कृपा रहती है, ये हमारा आशीर्वाद है। हाँ, दुविधा नहीं होनी चाहिए, भटकन नहीं होनी चाहिए, तो फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और भई ये अब क्योंकि निकलते जा रहे हैं, भई ये जैनिथ हैं और मोहिनी हैं गुप्ता, आशीर्वाद है इनके लिए भी। और क्योंकि ये तीनों पे चल रहा है भाई, कभी इधर से कभी उधर से हम उठा लेते हैं, लेकिन ये शीतल सूद हैं और ये पूजा हैं, आशीर्वाद है इनके लिए भी। हम कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस चीज़ का आपको इंतज़ार होता है, हमें मालूम है कि इंटरेक्शन का आप बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि कैमरे पर जिसका भी लग जाए, तो टाइम नहीं लगाना है, ताकि बाकी लोगों का नंबर ज़्यादा लग सके कुछ, तो हम नहीं तो फिर आगे बढ़ना पड़ता है भाई। भाई ये कनिका हैं, आशीर्वाद है इनके लिए भी। और
इधर कोशिश की जा रही है कि दोनों तरफ हम ट्राई कर रहे हैं कि जहाँ भी नंबर लगे तो ये प्रमोद हैं, आशीर्वाद है इनके लिए भी। भाई दोनों तरफ टाइम लग रहा है क्योंकि जिनका फिर डिले होगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ये कुंवर हैं और दीपा बिष्ट हैं और ज्योति आशीर्वाद है भी इनके लिए। जिनके अब कुछ लोगों के ये जरूर है कि जिनके कैमरा हो, चाहे मोबाइल का हो या लैपटॉप का, वो लाइव साथ में लिख दें क्योंकि वो पता चल जाता है कि इनका है, और जिनका नहीं होगा कैमरा तो फिर वो नहीं आ पाएंगे, ताकि हम उन्हीं को फिर क्लिक करेंगे जिनका लाइव लिखा हुआ आ रहा है। समय लग रहा है आज। ये नो वॉइस लिख रहे हैं, वॉइस इधर नहीं आ रही है क्या इंस्टा में? लेकिन हाँ जी, एक को काफी लगा है नंबर। हाँ जी, कहाँ से आप बोल रहे हैं भाई? आपका आवाज नहीं आ रहा है। भाई जिनका ये नंबर लगा है, वीडियो आ रहा है, तो या तो उनका म्यूट है या माइक नहीं है, तो फिर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो देख लीजिए, नहीं तो हम हाँ जी, आपका वीडियो आना शुरू हो गया है। म्यूट, आवाज नहीं आ रही है। प्रणाम बाबा जी। हाँ, आशीर्वाद है। हाँ जी, कहाँ से आप बोल रहे हैं? बाबा जी दिल्ली कालका जी। हाँ, दिल्ली कालका जी से। कोई नहीं, घबराइए नहीं। परेशानी जब आती है तो निकल भी जाती है। और भाई ये आजकल तो थोड़ा लॉकडाउन की वजह से जाना के जगह मुश्किल था, लेकिन आप पहले, आज की बात नहीं कर रहे, कालका मंदिर कब गए थे? अरे बाबा जी दिसंबर में गए थे।
और वैसे किस नियम से जाते हैं? महीने में एक बार। याद करके देखिए, जब आप लास्ट गए थे, अब जी बाबा जी, दो जगह का आ रहा है, एक आपका वैष्णो देवी का, अभी लॉकडाउन का पीरियड आप छोड़ दीजिए क्योंकि वहां आना जाना मुश्किल है सबके लिए, लेकिन हम पहले की बात कर रहे हैं। बाबा जी दिवाली पे गई थी वैष्णो देवी, पिछली दिवाली पे। भैरव के गए उस समय? जी बाबा जी, क्योंकि आपकी कृपा जरूर शुरू हुई है, और माँ कालका के आपका महीने का नियम है, और गुल्लक बड़ा बार बार दिखा रहे हैं। ये बताइए कि यहाँ आपने गुल्लक में क्या डाला था? बाबा जी 50 रुपीस। माँ कालका के बाबा जी कभी कभी जैसे मिस हो जाता है किसी महीने, तो मैं अगले महीने जब भी जाती हूँ तो उसका ऐड कर देती हूँ 50 रुपीस। चलो, आप ऐसा है कि ये ऐड वाला सिस्टम कोशिश ये कीजिए कि ना हुआ करे, तो क्योंकि वो फिर माँ कालका की तरफ से आपका ऐड होता जाएगा, आपको कमी नहीं रहेगी किसी चीज़ की, आशीर्वाद है हमारा। और एक चीज़ और बताइए, ये कृष्ण जी बड़ा आ रहे हैं भाई। बाबा जी लॉकडाउन के पहले मथुरा जाने का प्लान किया था पर जा नहीं पाई थी। चलो, लॉकडाउन की वजह से नहीं जा पाए, लेकिन कृष्ण जी की कृपा अब आनी शुरू हो जाएगी, और वो उनको सब पता होता है, और उनकी कसौटियाँ भी होती हैं, कृपा भी उनकी ऐसी होती है। और ये थोड़ा पहले का था, लेकिन अब जब सारा कुछ नॉर्मल हो जाएगा, खुल जाएगा, और तब तक आप घर से जो है कर सकते हैं, अब माँ कालका का भी कृष्ण जाके, सिर्फ आप अगर हो सके तो एक नारियल जो है घर में ही आप चढ़ा दीजिए, तो पानी वाला जी बाबा नारियल, जी, कोटि आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, और आशीर्वाद है हमारा, हम आगे बढ़ेंगे। कोटि प्रणाम बाबा जी। एक मिनट, ये केले बड़े आने शुरू हो गए भी सामने। बाबा जी बहुत पहले लिया था केला। क्या अच्छा नहीं लगता है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अभी वाटरमेलन खा रही थी तो इसलिए वो नहीं लिया था। क्या पड़ा हुआ है? नहीं बाबा, हाँ बहुत पहले लिया था, मतलब गैप ज्यादा हो गया, क्योंकि हमारे सामने तो तभी जी आता है जब गैप पड़ गया हो, या फिर काफी दिनों से पड़ा हो, नहीं ले रहे हो। तो चलो, अब नेक्स्ट जो है आप एक बार जो है, क्योंकि उसका एक प्लेनेटरी खाने पीने की चीजों का भी हम कई बार बता चुके हैं, सिग्निफिकेंस होता है, तो आप ले लीजिएगा, और जब कभी खुल जाएगा तो एक दर्जन केले बांट दीजिएगा, पूरा जी जो बाबा है जी, सही होगा। हाँ ठीक है, जी आशीर्वाद। बाबा जी, कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। हाँ जी, कुछ लोगों को क्या सबको ही ये मन में सोच होगी भी, कई नियम थे मंदिर जाने के, गुरुद्वारे जाने के, या कहीं भी जाने के, तो वो लॉकडाउन की वजह से, सबको पता है कि अभी नहीं जा सकते हैं, या कई ऐसे नियम हैं जो पालन नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन हम सबको बता देना चाहते हैं कि शक्तियों को सब कुछ पता होता है, और जब आप ऐसा सिचुएशन होती है, घर से आप नहीं जा सकते, तो घर में भी जो पूजा करते हैं वो उसी तरह स्वीकार होती है, वो मन की भावना जरूर देखते हैं, सच्चे मन से जो करता है तो बिल्कुल उसी तरह से कृपा जो है उनकी चलती रहती है, जब खुलेगा तो उस समय आप उस हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन अभी घर से ही जो आप नियम बनाए तो वैसे कर सकते हैं भाई। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ये कांति लक्षर है, आशीर्वाद है भाई इनके लिए भी, और
भाई हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी और को भी ऐड कर लिया जाए। मेरे इधर भी थोड़ा टाइम लग रहा है। जी कोटी कोटी हाँ जी, आशीर्वाद है भाई। भाई आपका वीडियो क्यों नहीं आ रहा? भाई आपका कनेक्टिंग कनेक्टिंग दिखा रहा है, आवाज आने आपका बाबा जी, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। वॉइस नहीं आ रहा है। बाबा कृपा कीजिए, बाबा आशीर्वाद दीजिए बाबा जी। भाई आशीर्वाद है, वॉइस ये क्यों नहीं जा रहा है हमको देखना पड़ेगा। बाबा जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है। भाई जो बाबा भी जी आप इस आशीर्वाद कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो कहाँ से बोल रहे हैं आप? बाबा जी ओडिशा से, भुवनेश्वर से बोल रहे हैं। एक मिनट, अभी आपने कहा कि आपकी वॉइस नहीं आ रही है, तो आपने कैसे सुन लिया? हमने पूछा कि कहाँ से बोल रहे हैं, ये सुनाई दिया था ना? अब कट गया। हेलो भाई, ये वॉइस का प्रॉब्लम इसमें क्यों आ रहा है? भाई हम सबसे ये फेसबुक में आ रहा है, और भाई ये कल्याण मुखर्जी यूट्यूब से हैं, आशीर्वाद है इनके लिए भी। नरेंद्र श्रीवास्तव हैं, और प्रियंका महाजन हैं, और सैनी हैं, क्योंकि बड़ी फास्ट निकलते हैं भाई, तो उतना जल्दी नहीं पढ़ा जाता है। वाणी है, आशीर्वाद है ये भाई इधर, क्योंकि आप जो इंस्टा में अगर उनको वॉइस नहीं आ रही है, तो आप इधर फेसबुक में ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ का जिनका भी ऐसा इशू आ रहा है तो स्विच ऑफ करके देख लीजिए, क्योंकि ऑडियो हमें सुनाई दे रही थी, आपको नहीं जा रही थी, तो हमारा जाना तो चाहिए जरूर। भाई बाकी जो इंस्टा में देख रहे हैं, तो दो जरा मैसेज कीजिए कि दो तीन आदमी की उनको आ रही है वॉइस या नहीं आ रही है वॉइस। भाई ये अभी तक किसी का याद लगता है कि उनको वॉइस शायद नहीं जा रही है। भाई फेसबुक में फिर मैं इधर शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि इसमें तो क्लियर आ रहा है। भाई हम इधर कोशिश करते हैं। भाई कईयों के अब हम इसमें देखते हैं, तो शायद उनके कैमरे नहीं है, इसलिए आ जाता है कि कांट ब्रिंग ऑन कैमरा। तो वो जिनका लाइव लिखा हो, तो वो हम कोशिश करेंगे, लेकिन जिनके कैमरा मोबाइल में है या लैपटॉप पर है, कहीं भी कैमरा होगा तो चाहे कंप्यूटर में आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं होगा तो मुश्किल है। भाई काफी टाइम लग रहा है इनका।
हाँ जी हाँ हाँ प्रणाम आशीर्वाद है। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बिल्कुल आशीर्वाद है भाई। आवाज हमारी क्लियर आ रही है आपको? आवाज क्लियर आ रही है? आवाज नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? भाई वॉल्यूम तो हमने फुल किया हुआ है। अभी आ रहा है या नहीं? आवाज आ रहा है या नहीं? भाई आशीर्वाद है। कहाँ भाई आशीर्वाद है? आप अब अभी कहाँ से बोल रहे हैं आप? भाई आपकी आवाज अगर नहीं जा रही तो नहीं आपको पता चल रहा होगा। भाई इसका आवाज अगर नहीं आ रहा है तो अब हमें देखना पड़ेगा क्यों नहीं जा रहा है। भाई आशीर्वाद है, अगर आवाज नहीं आ रहा है तो हम कम्युनिकेट तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन आशीर्वाद है सबके लिए। फेसबुक पे आ जाइए क्योंकि उसमें आवाज ठीक आ रही है। उधर से तो आवाज आती है लेकिन इधर से नहीं जा रही है। आशीर्वाद है। चलो भाई अब क्योंकि उधर आ नहीं रही है तो इस तरफ ही हम ज्यादा देखते हैं। भाई ये अंकिता झा है। आशीर्वाद है इनके लिए। और इधर भी हम एक और जगह कोशिश कर रहे हैं कैमरे पर लाने के लिए, लेकिन अभी टाइम समय लग रहा है उसमें। भाई ये यूट्यूब से आशीर्वाद है। अभी हम कुछ लोगों के इसमें हमने पहले भी जो चीज़ कही है, कोई भी अपनी कंपनी के नाम से यहाँ मैसेज ना करे और ना ही वहाँ फोन नंबर दे, अपने नाम से कर सकते हैं क्योंकि वो शक्तियों को सब पता है कि कहाँ कहाँ आपकी कंपनी है, क्या बिजनेस है, क्या काम करना है। लेकिन जब आप इस तरीके से करते हैं तो वो कृपा रुकती है, तो आप अपने नाम से कीजिएगा तो चारों तरफ कृपा आएगी। हाँ जी ये इधर लग गया है वीडियो। हाँ जी कहाँ से आप बोल रहे हैं भाई? आवाज नहीं आ रही आपकी। वीडियो तो आना शुरू है फेसबुक पर जो कनेक्ट हुआ है भाई, देखिए नहीं तो फिर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हम दूसरे के पास कोशिश करते हैं क्योंकि कईयों की आवाज, हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम है या क्या है। आजकल नेट का यूज भी ज्यादा हो रहा है तो हो सकता है कहीं कहीं दिक्कत आती हो। ये किरण गुप्ता है, संजीव है, आशीर्वाद है इनके लिए। और प्रणाम बाबा जी। हाँ जी प्रणाम, आशीर्वाद है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? बाबा जी मैं सिलीगुड़ी से, मैं कलिंगपुंग में रहती हूँ, मैं सिलीगुड़ी से बोल रही हूँ। सिलीगुड़ी सिलीगुड़ी बहुत
दूर नंबर लगा है, आशीर्वाद है। अच्छा एक चीज बताओ, ये हमारे सामने तिरुपति बालाजी बना रहे हैं, आपने कहा देखा, कुछ सोचा? हेलो आवाज आ रही है जी बाबा जी? जी आज आ रही है। बालाजी का कहाँ दिखा है आपने? तो और बालाजी आ रहे हैं सर, कुछ दिन पहले मैं टीवी में देख रही थी जी, टीवी में ही देख रही थी। अच्छा, कुछ दिन पहले टीवी में जो न्यूज़ दिखा रहा था। हाँ जी जी, वो न्यूज़ दिखा रहा था ना टीवी में, देखने से भी बालाजी की कृपा बिल्कुल आ गई। और घर में उनकी फोटो रखी है? घर में फोटो रखी है? अब वो नहीं रखेंगे, खाली टीवी में नहीं देखना है, अपने मंदिर में भी रख लो। उनकी कृपा शुरू हो गई है, आशीर्वाद है, और आपके काम भी बनने शुरू हो जाएंगे। और एक ये कुछ पूछना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो बाबा जी? आपको सब पता है भाई, बिल्कुल आशीर्वाद है। और जब बालाजी की कृपा शुरू होगी तो काम तो आपके बनने ही बनने हैं, घबराइए नहीं। एक फोटो उनकी लाके, छोटी रख लीजिए। और ये एप्पल सेब बहुत आ रहा है हमारे सामने, एप्पल आपने कब खाया है, कहाँ देखा है? एप्पल तो मैंने बहुत पहले खाया था, अभी नहीं। कितना समय हो गया? काफी दिन हो गया बाबा जी। क्या अच्छा नहीं लगता है? क्या अच्छा नहीं? जी बाबा जी, मैंने एक पासपोर्ट बनाया था ऑफिस से ही, NOC निकाल कर। मेरा गवर्नमेंट जॉब है, सब कोई अप्लाई कर रहा था तो मैंने बनाया था। जैसे मेरा तो प्रॉब्लम है, आई डोंट थिंक मैं शायद नहीं जा पाऊँ, फिर भी मैं बना कर रखी। अभी तो वैसे भी कहीं नहीं जा सकते हैं, लेकिन बना हुआ है ना, तो जब सब कुछ ठीक हो जाओगे आप, आशीर्वाद है हमारा। अभी नहीं, लेकिन क्योंकि बालाजी की कृपा आ रही है, अभी तो कहीं इंटरनेशनली नहीं जा सकते, तो इसलिए अभी आराम से बैठो, बालाजी की फोटो में लगा लो, कृपा जरूर उनकी शुरू होगी, आशीर्वाद है। बाबा जी मेरा प्रॉब्लम है बाबा जी, मैं समझ रहा हूँ आपको क्या ना कहे भी हम जानते हैं, आपको कह दिया है कि उनकी कृपा आ गई है, काम आपके हो गए, आशीर्वाद। प्रणाम बाबा जी, मेरा भाई का भी जॉब लगवा दीजिए, मेरा दीदी, आशीर्वाद है। देखिए बहुत से, क्योंकि ये बहुत लोग देख रहे होते हैं, कई पर्सनल चीजें होते हैं, हम भी समझते हैं कि वो आदमी खुल के नहीं बात कर सकता है, लेकिन अब इस प्लेटफॉर्म पर तो ओपन है। और लेकिन फिर भी मन के बात जो है कॉन्फिडेंशियल जो है, हम नहीं चाहते कि जो नहीं कोई कहना चाहता है तो उसको पब्लिकली कहे, लेकिन वो शक्तियों को सब पता होता है और वो कृपा भी जारी होती है। उनको शक्ति माना ही इसीलिए जाता है कि वो एक एक चीज़ मन की भी पढ़ रहे होते हैं, वो जबान पर नहीं जाते हैं। और आपने भी देखा होगा कि बाबा कभी भी किसी के कहने पर मुँह से कुछ भी कहता रहे, लेकिन हम उसके अंदर क्या चल रहा है या इन रियलिटी वो क्या है, तो हमारे सामने वो चीज़ छिपी नहीं होती है, वो हर किसी ने महसूस भी किया है, तो कृपा भी वो उसी तरह से जाती है। और वो ऐसा जरूर होता है कि जो भी किसी की कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हो या सेंसिटिव हो, तो बाबा कभी उसको पब्लिकली नहीं कहते हैं, वो अपने तक ही रखते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम उसकी जरूर सॉल्व होती है और कृपा जरूर शक्तियों की आनी शुरू हो जाती है। भाई ये हम आगे बढ़ते हैं भाई। भाई ये संचिता है और आशीर्वाद है उनके लिए भी। भाई हाँ जी, इधर नंबर लग गया है फेसबुक में। हाँ जी, कहाँ से आप बोल रही हैं? आवाज नहीं आ रही, आपका वीडियो आना शुरू हुआ है भाई, आशीर्वाद है। शायद आप भी नहीं कुछ कहना चाह रहे हैं, तो आशीर्वाद है। और परेशान होने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है। हम आगे बढ़ते हैं।
भाई ये ज्योति प्रसाद है, अंजू तिवारी है और राजेश सिंह है, अर्चिता है भाई, आशीर्वाद है सबके लिए। और हम कोशिश कर रहे हैं किसी और को लेने के लिए भी भाई, ये यूट्यूब पर विनोद है और सुरभि है, आशीर्वाद है इनके लिए भी, और अनिल है उनके लिए भी आशीर्वाद है, मंजू ठाकुर है, मंजू तनवर है, आशीर्वाद है इनके लिए। और भाई इधर आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं हुआ है तो। भाई दीपक है, रोहित है, समिता है, भाई ये निकू है, सोनू है, आशीर्वाद। बाबा कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम गले से। आशीर्वाद। हाँ जी, बाबा कहाँ से बोल रहे हैं आप? बाबा मैं बादली दिल्ली से बोल रही हूँ बाबा। आशीर्वाद है। अच्छा, एक एक चीज सबसे पहले हमें बताइए, ये साईं बाबा बहुत आ रहे हैं सामने बाबा। हम सीढ़ी गए थे दिसंबर में बाबा, दिसंबर में गए बाबा। विभूति लाए उन्हें। हाँ बाबा लाए। बिल्कुल किरण, और एक शॉल भी आपकी बहुत बाबा, हमने वहाँ चढ़ाए थे और वो वापिस भी किया था बाबा। हाँ, अब कहाँ है बाबा? वो मेरी अलमारी में रखा है बाबा। कभी उसको कैसे लगाया? हाँ लगाया बाबा। कब? बाबा कम से कम 1 महीना होगा बाबा। चलो, आप ऐसा है कि महीने में या 15 दिन माथे से लगा लिए, उनकी कृपा उनकी रूप हो चुकी है, आशीर्वाद है हमारा बाबा। परेशानी चल रही है बाबा, ना मेरे पति के पास काम है, ना मेरे बेटे का काम चल रहा बाबा। हाँ, क्या काम करते हैं? देखिए अभी तो क्योंकि कई लोगों का डिस्टर्ब हो गया है, सिस्टम ही बहुत बाबा। तो क्या चीज का? मेरे पति तो बाबा जैसे बिल्डर का काम कर रहा था, मकान वगैरह बना रहा था बाबा, कोई काम नहीं है। बेटा का ये बिल्डर का ये काम है बाबा, गाड़ी नहीं चल रही बाबा, उसके पास एक ही टेम्पो है बाबा। हाँ, कोई नहीं, आशीर्वाद है हमारा, घबराइए नहीं, अब जो है फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। ये जो साईं बाबा, अच्छा एक चीज बताइए, ये आपका भगवान बहुत बाबा, अगरबत्ती लगाते आप साईं बाबा की नाम की अगरबत्ती ले आए थे बाबा? नहीं, चंदन एक काम कीजिए आप, गुलाब का जो है फ्लेवर जो है, पहले गुलाब तो नहीं यूज करते?
करते थे बाबा, जब आप प्रोग्राम में जाते थे हर पूर्णमासी को बाबा। हाँ, तब प्रोग्राम में जाते थे पूर्णमासी में, इसीलिए गुलाब की अरे वही यूज करिए, आपकी मंजूर होगी, काम बनने शुरू होगी। कोटी कोटी बाबा, मेरी बेटी परत कर रही है वीरवार के साथ बाबा के। भाई वो उसकी ऑप्शन है, लेकिन आप कहा है वो कर दीजिए तो ये फर्क पड़ेगा। कोटी कोटी बार प्रणाम बाबा, आशीर्वाद। देखिए ऐसा होता है कि जो चीज आप यूज करते हैं, पहले से करते हैं, सालों से करते आ रहे हैं, आज से आपके कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई उससे भी पहले से, तो शक्तियां क्या करती हैं जो आप करते हो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आपने पहले फ्लेवर उसका इस्तेमाल किया तो शक्तियों को वो मंजूर होना शुरू हो जाता है, तो आप वही करते हैं तो कृपा रहती है। तो अदल बदल हम सबसे ये कहेंगे, ना कभी मिले तो माता लगे, बट जो पहले आप करते हैं तो वो नियम, अगर मंदिर का आपने अपने घर के मंदिर का अगरबत्ती का बना रखा है तो वो कृपा बिल्कुल चलती रहेगी। और विभूति जो लाते हैं तो वो इस्तेमाल करनी है, पड़े पड़े जो है वो कृपा में कभी रहती है। जब आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो किताबें पढ़ी हैं उसको भी पढ़ते हैं, चाहे गीता है, रामायण या कोई भी और है, तो तब कृपा आती है। तो ये आप करते हैं, बड़े सिंपल नियम है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो वो देखिए अभी क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोगों के काम उथल पुथल जरूर हुए हैं, हर कोई जानता है कि जब बाहर ही नहीं निकल सकते तो काम में फर्क आएगा निश्चित। लेकिन फिर भी किसी भी हालात में कैसे भी होंगे तो वो शक्तियों की कृपा जो उस समय में बेस्ट हो सकता है वो जरूर शक्तियाँ कृपा करती हैं, और ये खुलेगा और फिर से जो है वो खुशियाँ भी आएंगी, नॉर्मल भी होगा। थोड़ा समय परेशानी का जरूर आता है, लेकिन जब शक्तियों की कृपा होती है तो वो निकाल के अपने भक्तों को ले जाते हैं। तो आप घबराइए नहीं, आशीर्वाद है हमारा सबके लिए। और जिनके काम भी थोड़ा ऊपर नीचे हुए हैं, ये आपके हमारा एकदम दिली ख्वाहिश है कि हमारा हर भक्त, जितना भी उसको कमी आई है आने वाले समय में, वो उतनी ही भरपूर ज्यादा मौज करेगा, उसके काम चलेंगे, बरकत होगी। ये हमारा आशीर्वाद है अपने सब भक्तों के लिए। सच्चे मन से जो इस दरबार से जुड़ा होगा कभी भी उसको घाटे में नहीं रहेगा, वो हमेशा जो पीछे के नुकसान है वो भी पूरे हो जाएंगे और आगे भी मौज करेगा, ये हमारा आशीर्वाद है। लेकिन सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है, उपाय नहीं करनी, भटकन नहीं करनी, और भरोसा रखना है जिस भी शक्ति को आप मानते हो, मंदिर में सजा रखा है उस पर, तो कभी कमी नहीं आएगी। और किसी भी हालात में होगा तो वो निकाल के अपने आप ले जाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं भाई। भाई ये जिनका लाइव लिखा होगा तो हम उसी पर क्लिक करेंगे, क्योंकि फिर वो समय ज़्यादा लगता है उसमें, कईयों का कैमरा जिसका नहीं होगा तो फिर वो टाइम खराब जाता है अपना। भाई आशीर्वाद है हमारा, इधर चेतना आ रही है यादव भाई, आशीर्वाद है। और ये नमिता धर आ रही हैं यूट्यूब पे, आशीर्वाद है इनके लिए भी। सोनल शर्मा है, फूलचंद है, और कमलेश सिंह है, और आशीर्वाद है अभी सबके लिए। और माधुरी है इंस्टा पर, आशीर्वाद है उनके लिए। और अस्मिता है, आशीर्वाद है उनके लिए। भाई इधर भी काफी टाइम लग रहा है, आगे बढ़ना पड़ेगा। भाई जगन्नाथ साहू है भाई, आशीर्वाद है इनके लिए भी। और मंदाकिनी है, आशीर्वाद है इनके लिए भी। और राजेंद्र दुग्गल है, सुजाता राय है, भैया
मनु शर्मा है, कमलेश सिंह है, आशीर्वाद है इनके लिए। भाई अब जिनका लाइव लिखा हुआ उसी पर हम क्लिक करेंगे, क्योंकि जो भी कैमरे पर हो तो वो लाइव लिख सकते हैं। ये मदन चंद्र दास हैं, आशीर्वाद है। अर्पना है, गीता सिंह है, आशीर्वाद है इनके लिए। और किरण है, सुनीता राजपूत है, भाई आशीर्वाद है इनके लिए। ऋचा सिंह है, और ये सीमा रानी है, ये शिखा है, आशीर्वाद है इनके लिए। ये रेखा है, उज्जवल कुमार है, भाई आशीर्वाद है इनके लिए। और ये पंकज है, और आशा किरण है, आशीर्वाद है इनके लिए। और भी हम कोशिश करते हैं, आशीर्वाद है। हाँ जी, आपका बिल्कुल ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? लुधियाना से बाबा जी। दोबारा बोलिएगा। लुधियाना से। लुधियाना। लुधियाना से बाबा जी। बिल्कुल सुन लिया जी, लुधियाना से। और आशीर्वाद है हमारा। और एक चीज बताइए, सबसे पहले ये बर्फी क्यों आई है हमारे सामने? बाबा जी बर्फी अभी तो बहुत दिनों से लॉकडाउन की वजह से, लेकिन एक बार पहले आप लाइव इंटरेक्शन हुआ था तो आपने कहा था कि खुशी राम के यहाँ से कभी कभी मिठाई आप खरीद के बांट दिया करिए गरीब लोगों में, तो कभी बर्फी बांट देते थे, कभी लड्डू बांट देते थे। अब लॉकडाउन तो चलो हुआ है, अभी तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वैसे लास्ट कब बांटी थी, कितना समय हो गया? लास्ट बाबा जी मोटा मोटा 4-5 महीने तो हो गए। चलो जब अच्छा, कभी आपने बर्फी चढ़ाई भी है कहीं मंदिर में? बर्फी बहुत टाइम हो गया नहीं चढ़ाई बाबा जी मंदिर में। कहाँ चढ़ाई थी? उद्यान याद आ रहा है? ध्यान भी नहीं बाबा जी, बहुत टाइम हो गया है। अब एक बार जो है ना आप, और बजरंग बली की बूंदी भी आ रही है, बूंदी का प्रसाद कब बजरंग बली का करवाया? वो जब से लॉकडाउन मार्च में लास्ट चढ़ाया था लॉकडाउन से पहले, उसके बाद नहीं चढ़ा क्योंकि फिर बंद हो गए मंदिर। हाँ ठीक है, अब जब भी खुलेंगे ना, जिस समय लॉकडाउन भी खुल जाएगा, जब आप जा सके उस समय एक बार बजरंग बली का ही करवा दीजिएगा, लेकिन बर्फी का करवा दीजिएगा वैसे। और एक गुरुद्वारा भी सामने आ रहा है, आप आलमगीर गुरुद्वारे की तरफ ध्यान जा रहे हैं, कभी गए? जी बाबा जी, हाँ लास्ट ईयर गए थे आलमगीर गुरुद्वारा, वो भी आपने बताया था पहले, एक बार इंटरेक्शन हो चुका है आज से अप्रैल में। अच्छा, लास्ट ईयर हुआ था आपसे कितना समय पहले इंटरेक्शन हुआ? दोबारा नंबर लग गया, बहुत लोग इंतजार करते हैं, कितना समय पहले इंटरेक्शन बाबा जी? अप्रैल में हुआ था लास्ट ईयर, अप्रैल 2019 में हुआ था। अच्छा चलो भाई, उनकी मौज है, आपका दोबारा लग गया। चलो अब नेक्स्ट जब खुलेगा, जब भी नॉर्मल होगा तो उस समय फिर एक जाइएगा, इतना ही काफी है। और एक माता की चुन्नी चढ़ा दीजिएगा किसी भी मंदिर में जब खुलेगा, बस आपकी कृपा बिल्कुल आ रही है, आशीर्वाद है हमारा। और ये दलिये की तरफ क्यों ध्यान जा रहा है बाबा जी? दलिया खाते हैं ब्रेकफास्ट में, अभी पीछे दलिया थोड़ा सा खराब हो।
दुआ खराब हो गया था, कबूतरों का डाल दिया था, क्या किया? नहीं मतलब उसमें थोड़ा सा वो हो गया था तो उसमें से घुन निकल गए थे सारे, फिर कबूतरों के दाने में थोड़ा मिलाया तो वो खाते ही नहीं कबूतर दलिया, रास्ते में खाते हैं दलिया ब्रेक। अरे तो उनको मिलावट करके क्यों दे रहे हो भाई, है जो खाते हैं वो दो ना उनको, है जो खराब हो गया नहीं, नहीं वो दाना उनको देते देखो हैं। उनको दाना देते हो तो दाना ही दो, है उनको अपना दलिया खत्म तो ऊपर वो भी लिखा जाएगा ना, फिर आपको भी मिलावट करके चीजें मिलेंगी, जितनी मिलनी है फिर कम मिलेंगी, तो अगली बार अच्छी तरह से कबूतरों को खिला देना, फिर अच्छी अच्छी चीजें आपके पास आएंगी, क्योंकि ये कबूतर जो उनको देते हैं ना तो ऊपर लिखा जाता है क्या दे रहे हैं, तो आपका खाता ठीक रहेगा, तो कृपा ज्यादा आएगी, आशीर्वाद है हमारा। ठीक है एक मिनट बाबा जी, शेयर ट्रेडिंग में जाना, शेयर ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, कृपा कीजिए। हाँ भाई आजकल हम देख रहे हैं बहुत लोग जो हैं शेयर ट्रेडिंग में, क्योंकि दूसरे काम बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया, तो बड़े लोग शेयर ट्रेडिंग में जाने लगे हैं। एक्चुअली क्या है कि आपका क्वेश्चन नहीं है, जॉब में सैलरी का डिडक्शन हो गया। कोई नहीं, आशीर्वाद है, लेकिन थोड़ा प्रिकॉशन लेके कीजिएगा। आशा है कि हमारे भक्त शेयर ट्रेडिंग वाले भी हैं और हर तरह के हैं, अब उसमें क्या नाम इसका, वो शक्तियों की कृपा सब पर जाती है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन लेके करना है, आशीर्वाद है। बाबा जी पूरे परिवार पर कृपा कीजिए भैया, अगली बार बस कबूतरों का अच्छा खिला देना, कृपा अपने आप आ जाएगी। भाई हमारे जो भी भक्त देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि छोटी से छोटी चीज भी जो है वो शक्तियां देख रही होती हैं, कबूतरों के दाना दे रहे थे तो कृपा आ रही थी, थोड़ा सा इन्होंने वो दलिया खत्म करने के लिए दिया, भावना इनकी गलत नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने ये भी प्रिकॉशन लेना है, क्योंकि ऊपर से ये भी देखा जाता है, छोटी से छोटी चीज देखी जाती है और उसी हिसाब से कृपा आती है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हर आदमी जो भी हमारा भक्त है, वो एक एक चीज जो बताने का कारण और कुछ भी नहीं, वो डराना नहीं है, क्योंकि उससे कृपा आपकी बढ़ती है, वो रास्ते पर चलिएगा तो उन्होंने, होता क्या है जहां आप चूक करते हैं, उन्होंने देना है आपको मान लीजिए कि 10,000 कहीं से कृपा करनी आना है, उन्होंने उन्होंने देखा भी ये कबूतरों को दाना खिला रहा है या अच्छा कर्म कर रहा है या कुछ और भी अच्छा कर रहा है, तो 0 और लगा दो, उनको तो ऐसे हाथ हिल रहे शक्तियों को और आपकी किस्मत बदल जानी है, तो वो शक्तियां हैं, वो प्रिडिक्ट करने की जरूरत तो नहीं होती, वो जो कह देती हैं वो हो जाता है, तो आपने वो हर चीज का ध्यान रखना है, अपने कर्म भी ठीक रहने हैं, पूजा पाठ के, बस एक ही चीज ध्यान रखनी है कि आपने कभी भी भटकन में नहीं पड़ना है और उपाय नहीं करने हैं, और ये नहीं सोचना कि हमें कोई देख नहीं रहा, क्योंकि कुछ लोग छोटे छोटे लालच के लिए, छोटे छोटे कामों के लिए, कभी नौकरी कहीं होती है वो कंधा दे देते हैं गलत काम के लिए भी, गलत कर्म के लिए भी, तो फिर क्या होता है, तो फिर उसका भागीदार बन जाते हैं और वो कसौटी पर ऊपर वाले की नहीं खरे उतरते हैं, तो जब वो कृपा होती है तो इतना दे देते हैं कि आदमी को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं रहती, और शक्तियां जब देती हैं वो तो मांगती भी नहीं वापस, ना उन्होंने ब्याज देना है ना उन्होंने वापस मांगना है, तो ऐसे से मांगा जाए जो कभी वापस भी नहीं लेते, वो कृपा करते हैं। हाँ उनकी कसौटियां जरूर होती हैं, लेकिन आपने कभी ऐसा मैनेज करने की कोशिश नहीं करनी है, उनको सब कुछ पता होता है, आपके पल पल की सोच देख रहे होते हैं, जो यहाँ जुड़े हैं भक्त इतने समय से, वो और कुछ भी नहीं, वो महसूस करते हैं प्रत्यक्ष कि जो हो रहा है, आप जो कर रहे हैं या जो वास्तव में हो रहा है, तो वो सारा कुछ एक लेखा जोखा है, उसी हिसाब से वो भाग्य तय होता है, उसी से सब कुछ होता है, वो जब कमी होती है या कोई चूक होती है, गलतियां वो माफ भी करते हैं, साफ भी करते हैं, लेकिन वहां मैनेज नहीं होता, वो मैनेज कभी नहीं आज तक कोई कर सका, वो सोचता है ना कि उनको हम ये किसी होशियारी से कर लेंगे, कोई कैलकुलेशन से कर लेंगे या सिद्ध कर लें, वो खुद ही सीधा हो जाता है, वो उनकी कृपा है, वो कहाँ जो है दूसरा कोई उनको आज तक नहीं कर सका, तो ये शक्तियां जो है अब उनको शक्ति मानना पड़ता है, उनकी कृपा में रहिए, उपाय नहीं करने हैं तो वो सारी चीजें बिल्कुल मिलती रहेंगी, और ये हम अब आगे बढ़ते हैं भाई, ताकि ये गिरजा कुमारी हैं भाई, आशीर्वाद है इनके लिए भी, और
इधर भी अमोल जोशी हैं, भैया माया है, रवि कुमार है और ये अमित है, आशीर्वाद है। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? बाबा जी नागपुर के तरफ भंडारा से बोल रहे हैं। नागपुर से आशीर्वाद है। अच्छा एक चीज बताइए, साईं बाबा की तरफ ध्यान गया, शिरडी कब गए आप? बाबा जी 9-10 साल हो गए नहीं गई, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन है, अभी तो जाने का कोई नहीं है पॉसिबिलिटी, लेकिन आपको उस समय की बात कर रहे हैं जब लॉकडाउन नहीं था, तो भाई आपको काफी समय हो गया है, तो 10 साल, काफी लोग तो साल में चले जाते हैं, 2 साल में चले जाते हैं। अब ऐसा है कि आप घर में साईं बाबा की फोटो रखी है जी, आप एक फूलों की माला जो या गुलाब के फूल, अगर माला भी नहीं मिले तो गुलाब के फूल जो है ये एक बार चढ़ा दीजिएगा, घर में ही चढ़ा दीजिएगा, उनकी कृपा फिर से जो है आनी शुरू हो जाएगी। और ये पर्स की तरफ बड़ा ध्यान रखते हुए, पर्स में क्या रखते हैं पैसों के अलावा? और ये पर्स खरीदे कितना समय हो गया है, बार बार पर्स आ रहा है आपका? है बाबा जी, पर्स खरीदते रहती हूँ मैं, खासकर ब्लैक कलर का पर्स। बिल्कुल नहीं है बाबा जी। हाँ कोई बात छोटा छोटा है बाबा जी, जॉब लगा दीजिए। अच्छा इससे पहले आप जॉब करते थे? नहीं बाबा जी, कभी जॉब नहीं की बाबा जी, सोलू। कोई नहीं, हम समझ रहे हैं उस चीज को। आशीर्वाद है। एक जो माला कही है ना साईं बाबा की, वो आप घर में चढ़ा दीजिएगा, और ये क्योंकि अभी थोड़ा ये लॉकडाउन की वजह से जरूर हर जगह हर फर्क है, लेकिन फिर भी आपके रास्ते जो है खुलने शुरू हो जाएंगे। आशीर्वाद। मेरा बचपन का प्यार है बाबा जी, उससे मिला दीजिए बाबा जी मुझे, मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ बाबा जी। आशीर्वाद बाबा जी, प्लीज मुझे उससे मिला दीजिए। आशीर्वाद है आपके जो। और एक तिरुपति बालाजी की तरफ क्यों ध्यान गया जी? गई हूँ मैं मंदिर। कब गए थे मंदिर? गई थी बाबा, रोज हाथ जोड़ती हूँ, घर से हाथ जोड़ती हूँ बाबा जी। आपके हाथ जोड़ने भी स्वीकार हो रहे हैं, बालाजी की कृपा अब शुरू हो जाएगी और आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। आशीर्वाद है हमारा बाबा जी, सोनू से मिला दीजिए बाबा जी, उससे बात नहीं हो रही है बाबा जी, बात करा दीजिए। हाँ भाई आशीर्वाद है, सब ठीक हो जाएगा, घबराइए नहीं। ये अश्विनी है भाई, इंस्टा में हम इसलिए नहीं कर रहे कि उसमें थोड़ी आवाज का इशू आ रहा है कि हमारी ऑडियो नहीं जा रही उधर, तो फेसबुक पर जो इंस्टा पर कम्युनिकेशन जो नहीं हो रही इधर आ सकते हैं, और यूट्यूब चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे है, कृपा सब में एक समान जा रही होती है। और ये पूनम सिंह है और कनिका, आशीर्वाद है।
हाँ जी बिल्कुल, आपका आना शुरू हो गया है भाई, आशीर्वाद है। नमस्ते बाबा जी। ऑडियो आ रहा है कि नहीं? आ रहे हैं बाबा जी, आ रहे हाँ हैं। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप भाई? मैं आशीर्वाद दिल्ली है से बोल रही हूँ बाबा जी। दिल्ली से। चलो बहुत, दिल्ली हाँ कहाँ जी, से, पापा किस के एरिया से? अच्छा, दिल्ली रजौरी गार्डन, वेस्ट दिल्ली बाबा जी। रजौरी गार्डन। चलो भाई, रजौरी गार्डन से आप बोल रहे हैं, और सबसे पहले हमारा ध्यान बंगला साहब गुरुद्वारे की तरफ क्यों गया? बाबा जी मेरा इतना मन कर आप रहा है ना, कल बताइए ही मैंने कि किसी से बात करी कि मुझे बंगला साहिब गुरुद्वारा जाने का बहुत मन कर रहा है। मन कर रहा है बाहर से ही मत्था टेक के आ जाऊं। आपका मन कर रहा है, गुरु के पास आपकी आवाज पहुंच गई, समझ लो आपका मत्था टेका गया, आशीर्वाद है। और वो तो मन की सोच के साथ चल रहे होते हैं, जब भी मौका मिलेगा तब जा सकते हैं, लेकिन आपके इतने मन में चल रहा है कि वो आपको जवाब मिल गया है कि वो मंजूर हो गया है। मैंने खीर भी आप बनाई है बाबा जी, आज तो आपके लिए खीर बनाई है। और मुझे आज माता रानी के दर्शन हुए, मुझे पक्का पता था आप आज मुझे बुलाएंगे। और मेरा बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है बाबा जी, लॉकडाउन में भी आपकी कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। एक चीज बताओ, ये खीर में सौगी डाली आपने, किशमिश? डाली बहुत सारी किशमिश, तुलसी, बादाम सब डाल दी। क्योंकि आपकी किशमिश बहुत आ रही है, और आशीर्वाद है भाई आपका ये मंजूर है। और मेरी और मम्मी पे बाबा जी, मेरी ए, मम्मी ए, 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 पापा, एक सेकंड, ये गुलाब के फूल की तरफ क्यों ध्यान गया? गुलाब के फूल तो मैं जब भी साईं बाबा के टेंपल जाती हूँ तो वहां चढ़ाती हूँ। तो आज मैंने 50 रुपए निकाल के रखे थे साईं बाबा के। आप कहते हैं ना हमेशा हर मन मन जाओ तो 50 रुपए, तो मैंने, हम गए नहीं लॉकडाउन में तो मंदिर में निकाल के आज चढ़ा के रखे हैं बस। हाँ भाई, आपने रखे हैं तब भी वो देख रहे होते हैं आपके, जब भी जाओगे अब, बल्कि घर में ही लाके, अभी तो आप बाहर नहीं जाओगे, लेकिन गुलाब के फूल जो है एक बार चढ़ा देना, आशीर्वाद है और कृपा। बिल्कुल, बाबा जी मेरी मम्मी एक सेकंड, पापा एक सेकंड, ये कॉफी कब बनाई आपने, घर में, बाहर नहीं? मैंने तो नहीं बनाई, मेरे हस्बैंड बना रहे कॉफी थे की मेरे तरफ। लिए। अच्छा, पहले बनाते थे कि नहीं? नहीं कभी कभी बनाती थी बट अच्छी नहीं बनती, तो वो कहते हैं मैं ही बना देता हूँ। चलो भाई, और भी काम लॉकडाउन में सिखा लो, यही मौका है। तो जो जो ट्रेंड हो जाएंगे हाँ तो फिर जी बाद में करते रहेंगे, आशीर्वाद है उनके लिए। वो बाबा बना जी, के मेरी देते मम्मी हैं, इस पापा, इससे भी कृपा आ रही है। हाँ क्या जी मम्मी पापा क्या कह रहे हैं आप? मेरी मम्मी पापा और मेरी सिस्टर इन लॉ पे बहुत दुख आए थे बाबा जी बीच में। और मतलब भाई की शादी हुई थी तो बहुत ज्यादा दुख आए थे, बट अभी थोड़े थोड़े सॉर्ट हो रहे हैं। बट बाबा जी और मतलब आपको सब प्रॉब्लम पता है क्या चल रही है वहां पे बैंगलोर में लोग, तो अभी उनपे कृपा कीजिए अपनी बहुत ज्यादा, मतलब उनको कृपा भाई कीजिए। आशीर्वाद है उनके लिए भी, आशीर्वाद है। और एक लड्डू क्यों आने शुरू हो गए सामने? लड्डू मेरी बेटी को खाने हैं बहुत दिनों से और हम बना नहीं पा रहे हैं। अरे बना के खिलाओ भाई उसको, है क्यों नहीं खिला रहे हो? तभी आप पर कृपा मेरे आएगी ना, उसको खिलाओ बना पापा ने के। सुना था कि वो भाई बनाएंगे। ठीक हाँ, आशीर्वाद है सबके लिए, अब हम आगे बढ़ेंगे भाई, है, थैंक यू बाबा। आशीर्वाद है। भाई इंस्टा का भी लाइव बंद हो गया है, तो जो भी लोग हैं फेसबुक पर आ सकते हैं, और हमारे भक्त चाहे वो कुछ भी कर रहे होते हैं, अब आपने जो देखा, जो महसूस किया, जो घर बैठे भी आप कर रहे हैं, तो वो कृपा आ रही है। मन में सोच चल रही है कि बंगला साहब गुरुद्वारे जाना है, तो गुरु देख रहा है भाई, इनका मन से कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल आवाज पहुंच जाती है। और यहाँ इस दरबार में और कुछ नहीं, उन्हीं की आवाज आती है और उन्हीं की कृपा होती है, और वो शक्तियां सच्चे मन के साथ जो है जो चल रहा होता है, तो वो वहाँ कृपा बिल्कुल करती हैं। और जो थोड़ा कैलकुलेशन से या होशियारी से या घुमा फिरा के वो करता है, तो भाई वो उससे बड़ा फिर कैलकुलेटर उनका है। तो आपने कभी नहीं ऐसा करना है, क्योंकि उस कृपा को वो खो देता है। आपने उस कृपा का पात्र बन के रहना है, जिसमें आपके काम भी बनते जाए, आशीर्वाद है हमारा। और ये भाई अभी कनिका कटियाल है, और
हमारे यूट्यूब पे भी जो भक्त आ रहे हैं, अश्विनी है और डिम्पल है, वधवा भी, हम सबको एक ही चीज कहना चाहेंगे, चाहे कितना भी मुश्किल का समय हो, कभी घबराना नहीं है। सच्ची शक्तियां जो है उन पर विश्वास जिनको होता है, और वो सारे साथ छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन वो कभी साथ नहीं छोड़ती, वो हर हालत में निकाल के ले जाती हैं। और आप हमारे भक्तों के लिए आशीर्वाद भी है, उनके परिवार के लिए भी आशीर्वाद है। और आपने जो जो चीजें हम बोल जाते हैं या इतने समय से, वो अटल सच्चाइयां बदलती नहीं है, किसी युग में नहीं बदलेंगी, तो आखिर में वही करना पड़ता है। तो वो सब छोड़ के आडंबर उस राह पर चलिए जिससे कि वो कृपाए हमारे भक्त जो है, भक्ति वही है जो भटकन में नहीं पड़ता है और जो उस चीज को याद रखता है, और उनके ये मुश्किल नहीं आसान रास्ते हैं, और वहाँ कोई किसी की नेटवर्किंग नहीं चलती, कोई मैनेज करना नहीं चलता, और जो नेटवर्किंग करते हैं वो समझ लीजिए कि उस कृपा को खो देते हैं। वहाँ वन टू वन एक परिवार में भी इकट्ठी कृपा आती है, लेकिन खाता वन टू वन होता है। और इसीलिए जो आप देखते हैं यहाँ पर, तो हर एक को कहा जाता है कि जो आप कर रहे हैं, तो हर एक का डिफरेंट डिफरेंट खाता है, वो उसी हिसाब से वापस जरूर आता है, और आपके परिवार पर कृपा जरूर होती है, लेकिन फिर भी हर एक को इंडिविजुअल भी उसमें जो है उसकी मेन पार्टिसिपेशन जो है वो उस इंडिविजुअल की होती है। तो आपने कभी नहीं जो धोखा दे रहे हैं वो समझ लीजिए कि अपने आप को धोखा दे रहे हैं, किसी और को नहीं, वो अपने लिए ही आगे गड्ढे खोदते हैं। और सच्चे मन से जो करता है तो शक्तियां कृपा करती हैं और उनको परेशान होने ही नहीं देती। हमारे भक्तों के लिए, उनके परिवार वालों के लिए, सबके लिए आशीर्वाद है। और आपको फिर जब हम लाइव आएंगे तो वीडियो पर बताएंगे, लेकिन किसी मैसेज का आपने यकीन नहीं करना, फोटो दिखा के जो कोई फेक ग्रुप बना के या कुछ ऐसी इनविटेशन दे, कभी किसी को हम फ्रेंड रिक्वेस्ट, कोई व्हाट्सएप ग्रुप इस तरह के नहीं करते हैं। जो वीडियो में कहें वही एक आपने यकीन करना है, किसी को पैसा नहीं देना है, कोई सामान नहीं बेचते हैं, कोई मिलवा नहीं सकता, कोई अपॉइंटमेंट नहीं दिलवा सकता, और जब भी होगा तो वो सबके लिए जब वीडियो में हम कहेंगे तभी होगा। और घबराइए नहीं, और जो आपके मन में चल रहा है, बहुत लोगों के सवाल आते हैं, हम समझ रहे हैं, और वो आपके जरूर उसका भी रास्ता निकालेंगे, आशीर्वाद है हमारा। और एक चीज हम जाते जाते और सबको बता दें कि कोई भी हमारा भक्त जो है, बहुत से जो हमारे भक्त हैं सबको पता है कि यहाँ कैश नहीं लिया जाता, बैंक में जाता है, बैंक के अकाउंट जो एक्सिस बैंक के है या पंजाब नेशनल बैंक के है जो पहले थी उसी पर जो है, या कॉल सेंटर में जब कॉल करते हैं या वेबसाइट पर दिया हुआ है वही नंबर है दसवां जो भेजता है, लेकिन मनी ऑर्डर किसी ने नहीं भेजना है, क्योंकि मनी ऑर्डर हम सबको कहते हैं अभी डीडी भी मत भेजिए, मनी ऑर्डर भी मत भेजिए, बैंक में जमा करवाइए, क्योंकि वो वापस चला जाता है। तो आपका भी पैसा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन इसलिए हम सबको कहते हैं कि बैंक में सिर्फ जमा कराइए, मनी ऑर्डर मत भेजिए, और डीडी भी नहीं, आप सिर्फ बैंक जो पंजाब नेशनल बैंक या एक्सिस जिसने भी भेजना हो तो वो उसी में करवाए, और हमारा आशीर्वाद है। और जो आगे सिस्टम कुछ भी होगा तो हम वीडियो पर आपको बताएंगे और फिर लाइव आएंगे, फिर आपसे बातें करेंगे। आपके लिए, आपके परिवार के लिए, सबके लिए आशीर्वाद।